Good morning, children. Welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi language class. बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी लैंग्वेज में लिंग के विषय में पढ़ाया था और समझाया था. आज मैं आपको उसी के अभ्यासकार कराने जा रही हूँ. तो सभी बच्चे अपनी हिंदी लैंग्वेज की स्वरांजलि पेज संख्या 22 खोलेंगे और अभ्यासकार मेरे साथ करना शुरू करेंगे. तो सबसे पहले हम करते हैं अभ्यास 2. सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए. तो देखते हैं, का है पुल्लिंग शब्द पर सही का निशान लगाइए. का क्या दिया हुआ है? पुल्लिंग शब्द पर सही का निशान लगाइए. तो उसमें ऑप्शन है 1 शेरनी, 2 पुत और 3 लुटिया. 3 शब्द दिए हुए हैं बच्चों इसमें. तो इन तीनों में से पुल्लिंग क्या है? इन तीनों में पुल्लिंग पुत्र है. तो हम 2 नंबर वाले पे टिक लगाएंगे. ऑप्शन 2 सही है. तो ऑप्शन 2 के आगे हम पुत्र पर क्या करेंगे? टिक लगाएंगे. ये था का. अब आते हैं खा पर. खा है स्त्रीलिंग शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए. ऊपर वाले में क्या था? पुल्लिंग में चिन्ह लगाना था और नीचे में क्या है? स्त्रीलिंग में लगाना है. तो हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं. ऑप्शन 1 है सेठ, 2 माली, 3 नौकरानी. तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 3 नौकरानी. कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा वाला नौकरानी. इस पे हम सही का निशान लगा देंगे. फिर है गा. गा में क्या है बच्चों? लिंग के कितने भेद हैं? गा क्या है? लिंग के कितने भेद हैं? मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आपको समझाया भी था. तो लिंग के बच्चों मैंने कितने भेद बताए थे? ऑप्शन दिए हुए हैं. पहला 3, दूसरा 2, तीसरा 5. कौन कौन कितने होते हैं? 2 होते हैं. कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. तो कौन सा सही है इसमें? 2. ये आपका अभ्यास 2 पूरा हो गया है. अब आते हैं अभ्यास 3 पर. अभ्यास 3 में दिया है डिब्बे में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द मिल गए हैं, छांट कर अलग अलग कीजिए. ऑप्शन 3 है, एक्सरसाइज 3 है. डिब्बे में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मिल गए हैं, छांट कर अलग अलग लिखिए. करेंगे उसमें आपको डिब्बे में लिखे हुए हैं, हमको केवल क्या करना है? यहाँ पर इनको हमें अलग अलग करना है. तो एक साइड हम क्या लिखेंगे? पुल्लिंग और दूसरे साइड स्त्रीलिंग. पुल्लिंग शब्द जो होंगे वो पुल्लिंग के नीचे लिखेंगे, जो स्त्रीलिंग शब्द होंगे वो स्त्रीलिंग के नीचे लिखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला शब्द पढ़ते हैं, क्या है? मुर्गी. मुर्गी मुर्गी बच्चों पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? मुर्गी स्त्रीलिंग है. तो क्या किसके नीचे लिखेंगे हम लोग? स्त्रीलिंग के नीचे. मुर्गी किसके नीचे लिखेंगे? स्त्रीलिंग के नीचे. दूसरा है नाना. नाना शब्द क्या है? पुल्लिंग है. तो उसको किसके नीचे लिखेंगे हम लोग? पुल्लिंग के नीचे. उसके तीसरा शब्द है नौकरानी. नौकरानी क्या है? स्त्रीलिंग है. तो हम लोग उसको किसके नीचे लिखेंगे? स्त्रीलिंग के नीचे लिखेंगे. उसके बाद नेक्स्ट है नौकर. नौकर क्या है? पुल्लिंग है. तो उसको किसके नीचे लिखेंगे हम लोग? पुल्लिंग के नीचे. उसके बाद नेक्स्ट है हिरनी. हिरनी क्या है? स्त्रीलिंग है. तो उसको कहाँ लिखेंगे हम लोग? स्त्रीलिंग के नीचे. उसके बाद है नायिका. नायिका क्या है? स्त्रीलिंग है. उसको भी हम
इस तरह लिंक की तरफ लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मुर्गी, सॉरी मुर्गा। मुर्गा क्या है, पुरलिंग है, तो उसको हम पुरलिंग के साइड में लिखेंगे। उसके बाद है हिरन, हिरन भी पुरलिंग है, तो उसको हम पुरलिंग के साइड में लिखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट गायक, गायक भी पुरलिंग है, तो उसको भी हम पुरलिंग के साइड में लिखेंगे। उसके बाद लास्ट है नानी, नानी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो उसको हम स्त्रीलिंग के साथ लिखेंगे। ये आपके अभ्यास 3 भी पूरा हो गया है। अब हम आपको अभ्यास 4 कराएंगे। अभ्यास 4 में क्या है बच्चों, खाली स्थान में उचित लिंग का प्रयोग करिए। खाली स्थान में उचित लिंग का प्रयोग करिए। इसमें हमको क्या करना है, उचित लिंग का प्रयोग करना है। तो का है लड़का, और लड़का का स्त्रीलिंग क्या होगा, लड़की। तो का में हम क्या फिल करेंगे, लड़की, क्या फिल करेंगे हम लोग, लड़की। फिर खा है मेरी एक बेटी और एक बेटी का क्या होगा पुल्लिंग में, बेटा, मेरी एक बेटी और एक बेटा है। फिर गा है माली फूल तोड़ रहा है, और माली का क्या होगा, माली का स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों, मालिन, मालिन घास छील रही है, तो क्या फिल कर देंगे हम लोग यहाँ पर, मालिन। फिर घा है खाली जगह और बंदरिया पेड़ पर बैठे हैं, तो बंदर, बंदरिया का क्या हो जाएगा, बंदर, बंदर और बंदरिया पेड़ पर बैठे हैं। अब आते हैं अभ्यास 5 रचनात्मक पर, दिए गए चित्रों को रंग भर उनका लिंग भी लिखिए। तो इसमें बच्चों आपका क्या करना है, दो चित्र दिए हुए हैं, गाय का और दूसरा बंदर का, तो इसके हमें लिंग लिखने, गाय का लिंग क्या होगा, बैल, और बंदर का क्या होगा, बंदरिया, और इसमें कलर भरना है। तो ये आपका होमवर्क है, इसे आपको होमवर्क में करना है। तो आज के लिए इतना ही, आगे का कार्य मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।